नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। यूपी के संभल जिले का जिला अस्पताल आए दिन सुर्खी में रहता है। कभी यहां मरीजों को दवाइयां नसीब नहीं होती तो कभी चिकित्सक सुविधा शुल्क के अभाव में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आते हैं। इस बार तो स्वास्थ्य कर्मी ने हद कर दी। आरोप है कि संभल के ग्राम फुलसिंघा निवासी बीमार महिला से गांव के लिए जिला अस्पताल में दवाई के लिए एम्बुलेंस के नाम पर सुविधा शुल्क मांगी गई। जब महिला के पुत्र ने पैसे देने में असफलता जाहिर की तो एम्बुलेंस को भेजने से साफ मना कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जब फोन किया गया कि हमें एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो 200 रुपये मांगे गए और जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए साफ मना कर दिया। माँ की बिगड़ती हालत को देख करके पुत्र से रहा नहीं गया और रिक्शा पर ही ले करके माँ को अस्पताल पहुँच गया। रिक्शे में ही माँ को लिटाकर घर वापस ले गया। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आए। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर संवेदनहीन ही हो चुके स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई अमल क्यों नहीं लाती। सुरेंद्र नाम है, ग्राम फुलसिंह में रहता हूँ। मेरी मम्मी को टीवी का मर्ज चल रहा है। एम्बुलेंस वाला को मेरी बीवी का वो जो हुई थी डिलीवरी, बच्चा पैदा था, 200 रुपये लिए थे, इसलिए मैं एम्बुलेंस में नहीं आया। 200 रुपये मांगा है। कौन मांगता है 200 रुपये? ये एम्बुलेंस वाले आशा जो है जिला अस्पताल लाना। हाँ,